बिसमीम सो एज़ पर माई प्रोमिस फो आर गोइंग टू स्टार्ट इंट्रोडक्शन ऑफ चैप्टर नंबर वन सो फर्स्ट ऑफ ऑल बिफोर स्टार्टिंग ए नैटमी आई टेल यू दैट फर्स्ट बायोलॉजी एज ऑल नो बायोलॉजी की डेफिनेशन तो हम सबको नाइन्थ क्लास से हमने पढ़ी थी पहले चैप्टर के अंदर पहली लाइन कि बायो जो है बायोलॉजी दो वर्ड से मिलके बना है दो तो ग्रीक वर्ड से बायो मीन लाइफ एंड लोगोस मीन स्टडी तो इसका क्या मतलब हुआ इसका मतलब ये हुआ कि बायो जो है बेसिकली दो वर्ड से मिलके बनी है लेट मी क्लियरली टेल यू हेयर बायो एंड लोगोस बायो मीन लाइफ एंड लोगोस मीन स्टडी सो स्टडी ऑफ लाइफ इज वट वी कॉल्ड एज बायोलॉजी वॉट इट सो बायोलॉजी को अगर हम मज़ीद देखें तो बायोलॉजी जो है वो दो दो हम कह सकते हैं कि कैटेगरीज होती हैं बायोलॉजी को स्टडी करने के लिए एक होती है हमारे पास अनेटमी और दूसरी हमारे पास होती है फिजियोलॉजी सो so, हम जो बेसिकली आठ टॉपिक कवर करेंगे वो अनेटमी है फिजियोलॉजी के ऊपर भी इन शेक्चर अपड करूँगी बट फर्स्टली हम अनेटमी को भी देख रहे हैं तो इसकी तरफ मूव फॉरवर्ड करते हैं अनैटमी को अगर हम अनेटमी के वर्ड को पकड़ें तो अनेटमी जो है अगर हम उसको देखें तो अनेटमी जो है ये खुद भी दो वर्ड से मिलके बना है तो इसका एक जो है ये एना टोमोस एना, टोमोस. एना मीन कट और मीन पार्ट्स यानी इसको अनेटमी को हम कह सकते हैं कि अगर हम किसी भी बॉडी के पार्ट को या फिर ऑर्गन को कट करें बेसिकली ये नहीं है कि हम उसको कट ही कर दें हम उसके सेक्शंस करके स्टडी के हवाले सेक्शंस कर लें कि हम खुद ही अपने माइंड में कर लें कि ये ऑर्गन है फॉर एग्जांपल तो इसके अंदर ये हमारे पास सेक्शन हैं हर सेक्शन जो है वो अलग तरीके से अलग उसका नाम है उसका अलग जो है अनेटमी के अंदर हम उसके पार्ट्स को जब हम ऐसे आप इसमें सेक्शंस कर लेंगे एक ऑर्गन के तो उसको हमारा स्टडी करना इजी हो जाएगा सो so, अनेटमी जो है यहाँ पर आपको समझ आ ही गई होगी कि अनेटमी जो है इंटरनल स्ट्रक्चर्स की स्टडी को कहते हैं और इसके अंदर हम कह सकते हैं कि अनेटमी जो है बेसिकली इसके अंदर क्या होता है कि हम कटिंग कर लेते हैं सेक्शंस बना लेते हैं पार्ट्स के सो so, इसको हम बुक से देखें तो हमारे पास जो है इसके अंदर जैसे कि उन्होंने भी लिखा हुआ कि ह्यूमन बॉडी जो है ये कम ये कंपोज होती है लिविंग मैटर कॉल्ड प्रोटोप्लाज्म से और प्रोटोप्लाज्म जो है बेसिकली जो है एजेंशली जो है एटम हर चीज़ एटम से मिलके बनी है तो ये प्रोटोप्लाज्म भी एटम से मिलके बना है अब हम एटम को देखें तो एटम मजीद आप इसमें मिलके जो है ऑर्गेनिज्म लेवल तक जाने वाला है एज वी नो कि ह्यूमन्स जो हैं ये बेसिकली इसकी हम ऑर्गेनाइजेशन में पीछे से पीछे जाते जाएं तो हमारे पास बेसिक स्ट्रक्चर हमें एटम ही मिलेगा सो स्ट्रक्चरल लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के डिफरेंट स्ट्रक्चर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को कवर करें तो हमारे पास जो है हमें एटम जो है एक बेसिस तो पे जाके एक एवोल्यूशनरी स्टेप में हमने पढ़ा था कि एवोल्यूशन में हमने बेसिकली पढ़ा था कि हमारे पास एक ट्री होता है तो उसमें ब्रांचेज होती हैं और ब्रांचेज की सब ब्रांचेज होती हैं तो जो बेसिकली ये ट्री का ट्रंक होता है ना ये ये हमारे पास एटम है यानी बेसिस जो है जो एक कहानी जहाँ से शुरू हो रही है ना वो एटम है सो एटम जो है वो मजीद मिल के जो है वो कॉन्स्टिट्यूट से, करेगा सेल को फिर टिश्यू को फिर ऑर्गन को फिर ऑर्गन सिस्टम और इस तरह ऑर्गन सिस्टम्स मिलके ऑर्गेनिज्म बनाएंगे और ये इंडिविजुअल लेवल तक बात जाएगी एज uh, अब ये बातें जो है ये कुछ इतनी ख़ास इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी बुक में है तो हम बुक को थोड़ा स्टडी कर रहे हैं तो हम इसको भी करेंगे ही स्टडी सेल्स एज वी ऑल नो के सेल्स जो स्मॉलेस्ट इंडिपेंडेंट यूनिट ऑफ तो लाइफ है और एक सेल जो है इसको हम मैं बुक से ही आपको वर्ड टू वर्ड लाइन रीड कर देती हूँ बिकॉज इट्स नथिंग टू एक्सप्लेन सेल की डेफिनेशन सेल इज जनरली डिफाइंड आई द मैस ऑफ प्रोटोप्लाजम न्यूक्लियस सराउंडेड बाय अ साइटोप्लाजम इंक्लोज इन अ सेल मेम्ब्रेन एक सेल मेम्ब्रेन है उसके अंदर साइटोप्लाजम है यहाँ देख लें आप ये एक सेल की सेल मेम्ब्रेन है उसके अंदर साइटोप्लाजमेरी मेरी मेरी आप लोग मैनेज कर लो डा, डा, डाग्राम अंदर एक न्यूक्लियस है बस सम, बात समझ आनी चाहिए डायग्राम कैसी भी हो तो क्या ही फ़र्क पड़ता है ये सेल मेम्ब्रेन है उसके अंदर ये जो फ्लूड फील्ड है ये सारा ये हमारे पास जो है साइटोप्लाज्म और एक न्यूक्लियस है तो यही बात उसने की है कि एक सेल मेमब्रेन है उसके अंदर साइटोप्लाज्म है और साइटोप्लाज्म के अंदर एक न्यूक्लियस है और ये साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस मिलकर आप इसमें जो हमारे पास प्रोटोप्लाज्म क्या होता है साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस ये दोनों चीज़ें हमारे पास मिल के प्रोटोप्लाजम बन रहा होता है सो आपको बात की समझ आ गई होगी कि प्रोटोप्लाज्म और सेल मेम्ब्रेन मिलके सेल बना रहे हैं तो सेल जो है बेसिक लिविंग यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ और ऑल ऑर्गेनिज्म है तमाम ऑर्गेनिज्म का बेसिक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट जो है वो सेल है सेल के बाद नेक्स्ट हम टिश्यू की तरफ मूव करें तो टिश्यू जो है ये सिमिलर सेल्स जब मिलते हैं और एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं उसको हम कहते हैं टिशू टिश्यू जो है फोर वराइटीज़ के अंदर जो पाए जाते हैं और ये जो है इनको हम कहते हैं फोर बेसिक टिश्यूज़ ऑफ द बॉडी तीस टिश्यूज़ आर एपिथेलियल टिश्यू और एपिथेलियम कनेक्टिव टिश्यू मस्कुलर टिश्यू एंड नर्वस टिश्यू ये बात जो है इंपॉर्टेंट है ये आपसे वाइवा में पूछी जा सकती है और वैसे भी एम सी क्यूज इस तरह की चीज़ें जो है नॉर्मली जो है पूछ ली जाती हैं तो ये फोर नेम्स जो हैं आपको याद होने चाहिए कि सेल जो है वो फिंगर टिप से आप रिपीट कर सकते हैं एपिथीलियल टिश्यू और एपिथीलियम कनेक्टिव टिश्यू मस्कुलर टिश्यू एंड नर्वस टिश्यू नेक्स्ट हम मूव करते हैं ऑर्गन की तरफ ऑर्गन जो है ये रिप्रेजेंट करता है एक हाई लेवल को बिकॉज सबसे पहले स्टार्ट किससे हुआ सेल से देन सेल मिलकर टिश्यू बने अब टिश्यूज ने मिलकर ऑर्गन बनाना है तो यानी ये कंपेरेटिवली सिंपल से कॉम्प्लेक्सिटी की तरफ मूवमेंट हो रही है तो ये ऑर्गन जो है इसको देखें तो ऑर्गन जो है नेक्स्ट लेवल ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी होता है टिश्यू के बाद और ऑर्गन जो है इंटीग्रेटेड इंटीग्रेटेड वर्ड का मतलब क्या हुआ यहां पे एक जो है बाब्ता यानी एक सेल जो है ऐसे ही नहीं कि रैंडमली हमने किसी भी चीज़ जो सेल मिल से के इधर उधर से आके मिल के हमने उसको ऑर्गन कह दिया एक इंटीग्रेटेड एक सम सूझ पूछ समझ पूछ के हमने एक ख़ास किस्म की कलेक्शन बनाई सेल्स की और मुख्तलिफ वाइटीज़ के हमने टिश्यूज़ दिए और उसको हमने जो है कम्बाइन किया और एक ऑर्गन बना दिया और एक ऑर्गन जो है और ये जो है ऑर्गन एक स्पेसिफिक फंक्शन भी परफॉर्म करेगा ऑर्गन्स हार्ट स्टमिक लिवर किडनी दिस ऑल आर ऑर्गन्स नथिंग टू एक्सप्लेन एज सच आई थिंक यू ऑल गॉट इट नेक्स्ट सिस्टम ऑर्गन सिस्टम की बात यहाँ पे आ गई है सिस्टम जो है ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स दैट वर्क टुगेदर टू परफॉर्म अ मेजर बॉडी फंक्शन सिस्टम जो है ऐसा सिस्टम है जिसके अंदर ऑर्गन्स मिलके जो है वो एक फंक्शन परफॉर्म करते हैं जिस तरह डाइजेस्टिव सिस्टम है इसमें सिंगल ऑर्गन इन्वॉल्व नहीं है डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर हमारे पास हमारा जो है माउथ आ जाता है ऑस्टो आ जाता है उसके बाद हमारा स्टमिक आ जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन आ जाती है लाल लार्ज इंटेस्टाइन यानी काफ़ी ऑर्गन मिलकर जो एक्सप्रेसि फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं तो उसको हम कहेंगे कि सिस्टम है नेक्स्ट हमारे पास रिस्पायरेटरी सिस्टम है इसी तरीके से इसमें भी काफ़ी चीज़ें हैं काफ़ी ऑर्गन मिलके और इस मिल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर भी काफ़ी ऑर्गन मिलके ये सब चीज़ें तो पता ही हैं सबको तो अब हम इसको देखें कि ये वाली लाइन आप देखें ये लाइन वर्ड टू वर्ड रीड करके बताया जाएगी ऑल द बॉडी सिस्टम द स्पेशलाइज विद इन दमसेल एंड कोऑर्डिनेटेड विद ईच फॉम अ डायनेमिक एंड एफिशिएंट ऑर्गेनिज्म कहते हैं कि तमाम बॉडी के जो सिस्टम्स हैं वो आप उसमें इस तरीके से कोलैबोरेट होते हैं कि जो ऑर्गेनिज्म है ना वो एक डायनमिक ऑर्गेनिज्म और, और एक एफिशिएंट ऑर्गेनिज्म बन के कोऑर्डिनेटेड फंक्शन परफॉर्म करना का मकसद ही यही होता है कि ऑर्गेनिज्म जो है डायनमिक और एफिशिएंट हो यानी अपने फंक्शनस के लिहाज से अपने तर, अब फिट जिसको हम कहें वो होता है और ये अल्लाह ताला की ही खासियत है कि अल्लाह ताला ने एक इंसान के अंदर ऐसा एक कोई इंसान जो है वो ऐसा शाहकार नहीं बना सकता ये अल्लाह ताला की खासियत है कि उन्होंने ऑर्गन्स को उन्होंने कहाँ एटम थे एटम को मिलके सेल बनाया सेल से और सेल से हमारे पास टिश्यू बनाया टिश्यू से ऑर्गन फिर ऑर्गन सिस्टम बनाया और ऑर्गन सिस्टम से एक इंडिविजल बना के नेक्स्ट कॉलोनी वगैरह काफ़ी वाइडर रेंज में हमारे पास एक पूरा निज़ाम शमसी बना दिया और एक पूरा ये जहान क्रिएट कर दिया तो ये अल्लाह तला की खासियत है कि उन्होंने ये कोऑर्डिनेशन लाई हर चीज़ जो है वो दूसरे से रब्त कायम करती है क्योंकि फर्द कायम रबत में लात तनहा कुछ नहीं इलाम अकबाल का एग्जैक्ट शेर अब मुझे पूरा नहीं याद आ रहा लेकिन यहाँ पे बात यही है कि कोऑर्डिनेशन इज एवरीथिंग को हर चीज़ में कोऑर्डिनेशन चाहिए जिंदगी में भी कोऑर्डिनेशन चाहिए और बॉडी को भी कोऑर्डिनेशन चाहिए अपने तमाम काम करने के लिए नेक्स्ट हम एनेटमी की तरफ मूव कर व्हाट इज अनैटमी अनैटमी के बारे में मैंने आपको थोड़ा बहुत बता ही दिया है तो हम हम यहाँ पर देख लेते हैं नेटवी की रीडिंग करके देख लेते हैं नेटमी इज ए ब्रांच ऑफ साइंस विच डील विद द स्टडी दी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स इसके अंदर हम स्ट्रक्चर को स्टडी करते हैं मैंने जैसे आपको बता दें कि हम इंटरनल स्ट्रक्चर्स वगैरह की भी स्टडी करते हैं नेटमी के अंदर और नेटमी के अंदर हम सेक्शंस बना के ऑर्गेनिज्म को जो है स्टडी कर लेते हैं और ह्यूमन uh, अनेटमी जो है स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ़ डिफरेंट पार्ट्स एंड ऑर्गन ऑफ़ ह्यूमन बॉडी ह्यूमन बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स और ऑर्गन को लेते हैं और उनका इंटर रिलेशन देखते हैं उनके अंदर स्ट्रक्चर्स को देखते हैं कि ये कैसे इसके अंदर स्ट्रक्चर्स कैसे आप इस आ, कैसे कौन से स्ट्रक्चर से प्रेजेंट है जो कि इन पार्ट्स और ऑर्गेनिजम को मिलकर बना रहे हैं और एक प्रॉपर ऑर्गेनिज्म का एक ह्यूमन बॉडी का अच्छा खासा फंक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं तो अनेटमी जो है ये ग्रीक टर्म है और ये जो है इसका मतलब होता तो है टू कट अप कट करना एना मीन एक्सेसिव और अगेन टॉमी मीन कटिंग यानी बार बार कट करना और ये टर्म जो है एनेटमी की जो है वॉज कोइंड इन द एंशियन टाइम वैन द नॉलेज ऑफ अनैटमी वॉज डिवेल्पड एज द रिजल्ट ऑफ कटिंग अप ऑफ द एनिमल एज वेल एज ह्यूमन बींग जो पुराने दौर में था तब तो ये प्लास्टिक वगैरह के जो मॉडल्स वगैरह नहीं थे तो तब अनैटमी की स्टडी कैसे होती थी तब वो ह्यूमन बॉडी की डायसेक्शन करते थे किसी के भी किसी भी एनिमल की जरूर नहीं है ह्यूमन बींग हो किसी भी एनिमल की अगर उन्होंने अनैटमी स्टडी करनी है उनके इंटर स्ट्रक्चर का पता करना है कि वो कैसे कैसे हैं तो वो कैसे करते थे उसके डाइसेकट कर लेते थे और डाइसेकट एक बार नहीं करते थे मल्टीपल कटिंग करते थे ऑर्गन्स के और फिर उनके अंदर देखते थे ऑर्गन्स या पार्ट्स ऑफ और बॉडी के इस तरह क्या करते थे वो अनैटमी की स्टडी करते थे अब साइंस की डेवलपमेंट और टेक्नोलॉजी की डेवलपमेंट से इस बात का फ़ायदा हुआ कि हमें कम अज़ कम अब अनैटमी को स्टडी करने के लिए जो है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को कट नहीं करना पड़ता वी हैव प्लास्टिक मॉडल्स एक्सेट्रा एंड एज वेल एज सी मॉडल्स भी प्रेजेंट है जो कि हम नेक्स्ट देखेंगे हिस्ट्री ऑफ अनैटमी जो है ये हम नेक्स्ट टॉपिक में देखेंगे अभी हम ब्रांचेस की तरफ मूव ऑन करेंगे जो कि हमारा बेसिक आज का हमारा टारगेट है तो ब्रांचेज ऑफ एनेटमी अगर हम देखें मेन ब्रांचेज की तरफ तो हमारे पास चार किस्म की ब्रांचेज होती हैं ग्रोस एनेटमी हिस्टोलॉजी एम्ब्रियोलॉजी एंड न्यूरो अनेटमी अब हम सबको वन बाय वन स्टडी करेंगे सबसे पहले हमारे पास ग्रोस एनेटमी है ग्रोस एनेटमी का आपने याद रखना है कि इसका एक स्पेसिफिक नेम है माइक्रोस्कोप मैक्रोस्कोपिक सॉरी मैक्रोस्कोपिक अनेटमी ग्रोस एनेटमी को मैक्रोस्कोपिक अनेटमी भी कहते हैं और इसके अंदर हम क्या करते हैं ऑर्गन्स की पार्ट्स की और बॉडी के स्ट्रक्चर्स की स्टडी करते हैं ऐसे जो कि हम नेक डाई से देख सकते हैं यानी बॉडी के ऐसे ऑर्गन्स पार्ट्स और स्ट्रक्चर्स की स्टडी करेंगे जिनको हम अपनी आम आंख से देख सकते हैं ग्रोस अनैटमी जो है इसके अंदर जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि पहले जब टेक्नोलॉजी नहीं थी इतना प्लास्टिक मॉडल्स वगैरह नहीं थे तो तब कैसे अनैटमी को स्टडी करते थे डाइसेक्शन सेक्शन कर के ह्यूमन कैडवर्स की डिसेक्शन करके तो ट्रेडिशनली ग्रोथ एनाटमी इज लर्न बाय द डायसेक्शन ऑन ह्यूमन कैडावर्स हावर इन मॉडर्न इन आजकल क्या होता है कि आल्टरनेटिव टू डेवलप्ड हैव हैव बिकम अवेलेबल विच इंक्लूड एनेटमिकल मॉडल्स मॉडल्स हैं कुछ प्लास्टिकेटिक्यूमन बॉडीज हैं कुछ प्लास्टिनेटेड ह्यूमन बॉडीज जो है वो जो है उन्होंने लैब वगैरह में रख ली होती हैं जहाँ पर हमें कोई भी अनेटमिक स्टडी करनी होती है हम जाकर स्पेसिफिक ऑर्गन का अनेटमिकल प्लास्टिक मॉडल या प्लास्टिनेटेड ह्यूमन बॉडी जो है उसको जाके देख लेते हैं उसके अलावा सिंथेटिक कैडेवर्स भी हैं जो कि दिखते human, तो ह्यूमन मतलब दिखने में जो है ह्यूमन सेटे रिजेम्बलेंस करेंगे बट स्टिल होंगे वो आर्ट आर्टिफिशियल आर्टिफिशलीबोरेटरी के अंदर ग्रोन होंगे नेक्स्ट हम देखें एडवांस इन ह्यूमन टेक्नोलॉजी कंप्यूटर टेक्नोलॉजी जैसे जैसे कंप्यूटर टेक्नोलॉजी भी डेवलप करी है तो हमने देखा है कि जो है स्पेशल हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर जो है वो डेवलपमेंट हुई है जिसकी तो उससे क्या हुआ कि हमने वर्चुअल ह्यूमन बींग्स भी क्रिएट कर लिए हैं जो कि हमें थ्री डी इमेज जिस तरह आप यूट्यूब पे जब आप लिखो कि आपको थ्री डी एनिमेशन मिल जाती हैं के अंदर अब हम थ्री डी इंट्रेक्टिव अनेटमी लाइब्रेरीज भी जो है वो देख सकते हैं जहाँ पे हम थ्री डी मॉडल भी मिल जाते हैं अनैटमी के सो नेक्स्ट वन इज इसके अंदर हम एग्जाम्पल देखें अगर हम ग्रोस एनेटमी की तो इसके अंदर बेसिकली हमने ऑर्गन या पार्ट को देखना जिनको हम आग आँख से देख सकते हैं तो इसकी एग्जाम्पल जो है सिंपल कॉमन है मसल्स बोन्स आम आंख से देख सकते हैं डाइजेस्टिव ऑर्गन हैं जो और उसके अलावा हमारी स्किन ये सब चीज़ें हमारी ग्रोथ एनाटमी में आएंगी नेक्स्ट हिस्टोलॉजी हिस्टोलॉजी जो है अभी हमने देखा है कि आम आंख से जिनको हम देख सकते हैं उनको हम ग्रोथ एनाटमी देखते हैं लेकिन सब चीज़ें हम आम आँख से नहीं देख सकते हमारी अल्लाह पाक ने हमारी आंख के अंदर जो है एक लिमिट रखी है एक लिमिट तक ही हम हर चीज़ को देख सकते हैं इसमें मछली है ओबियसली अल्लाह ताली की तो ऐसे ऑर्गन जिनको हम आँख आँख आम आँख से नहीं देख पाते तो फिर उनकी अनैटमी को हम कैसे स्टडी करते हैं उसके लिए हम हिस्टोलॉजी देखते हैं तो हिस्टोलॉजी जो है इसके अंदर क्या होगा ह्यूमन आई हैज अ लिमिटेड पावर ऑफ वी एंड द फाइनल डिटेल्स ऑफ ह्यूमन स्ट्रक्चर कैन नॉट बी स्टडीड विद नेक्ड आई हर जो ह्यूमन आई है उसकी लिमिटेड पावर की वजह से कुछ बोलो स्ट्रक्चर को हम आ आम आँख से नहीं देख पाते सेवनटीन सेंचुरी के अंदर लाइट माइक्रोस्कोप जब डिस्कवर हुआ इन्वेंट हुआ तो उससे क्या हुआ कि हम कुछ फाइन स्ट्रक्चर्स को हम देख पाते थे क्योंकि हम उससे भी हम हर चीज़ को तो नहीं देख सकते लेकिन हम क्या कर सकते थे उससे हम कुछ ज़्यादा डिटेल देख सकते थे क्योंकि वो मैग्नीफाई कर देता था तो ये हमें लाइट माइक्रोस्कोप हमें क्या करता था हमें मैग्नीफाई करके एक डिटेल्ड इमेज दे देता था लेकिन दैट वॉज ऑल ऑल्सो वी नो के लाइट माइक्रोस्कोप को इतना खास नहीं होता है तो वो भी इतना हमें क्लियर नहीं बता पाता था बट स्टिल वो काफ़ी हेल्प करा आम आँख से तो अच्छा ही था कि लाइट माइक्रोस्कोप डिस्कवर हुआ तो इन्वेंट हुआ तो एक हेल्पिंग हो गया इंसानों के लिए वैसे भी जो है जब इनोवेशन आती है तो वो वन बाय वन आती है एकदम से जो है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आने भी वाला नहीं था आहिस्ता आहिस्ता ही पहले लाइट माइक्रोस्कोप देन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप अब हिस्टोलॉजी की डेफिनेशन देखें हिस्टोलॉजी एनेटमी की वो ब्रांच है जिसके अंदर हम फाइनर डिटेल्स बॉडी स्ट्रक्चर्स की है, देखते हैं विद दी हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप लाइट माइक्रोस्कोप से देखेंगे सेवनटीन सेंचुरी के अंदर ने देखा उसके बाद नेक्स्ट ये जो हमारी हिस्टोलॉजी uh, है इसका जो है माइक्रोस्कोपिक एनेटमी एक दूसरा नाम है। जो हमने ऊपर पढ़ा है ग्रोस ये, है। ये आपने याद रखनी है, इसके 20th जो है वो डिस्कवर हो गया था तो उससे क्या हुआ कि बहुत ही फाइन स्ट्रक्चर बॉडी कंपोनेंट्स के हम देख पाते थे लाइट माइक्रोस्कोप की एक लिमिट थी लेकिन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो है एक ज्यादा जो है हमें फाइनर अल्ट्रासोनिक जो है एक अल्ट्रासाउंड की शेप मतलब काफ़ी माइनर डिटेल्स हमें देता था और ये नैटमी को स्टडी करने के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहा और ये माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो है ये जो स्ट्रक्चर दिखाता था उसको हम अल्ट्रा स्ट्रक्चर और फाइन स्ट्रक्चर कहते थे बॉडी कंपोनेंट्स का बिकॉज इसकी मैग्नीफिकेशन और रेजोल्यूशन दोनों ही अच्छी खासी थी तो हिस्टोलॉजी जो है टू स्टडी हिस्टोलॉजी फ्रेशली ऑप्टेन टिश्यू कम अब हम हिस्टोलॉजी का प्रोसीजर देखेंगे इस ये वाला पैराग्राफ जो है इस यहाँ से लेके तक हम प्रोसीजर देखने वाले हैं हिस्टोलॉजी के अंदर क्या होता है कि हम टिश्यूपेश किसी भी ह्यूमन या कोई भी एनिमल जिसकी हमने एनाटमी देखनी है उसका हम टिशू कंपोनेंट लेंगे उसका और फिर उसको हम क्या करेंगे विदाउट एनी डिले अभी हमने फ़ौरन अभी हमने टिशू लिया है तो फ़ौरन से हम क्या करेंगे उसको हम फिक्सेटिव में डाल देंगे फिक्सेटिव क्या है एक स्पेशल केमिकल है जिस तरह हम एनिमल्स को प्रिजर्व करने के लिए क्लोरोफॉर्म वगैरह यूज़ करते हैं इस तरह ये भी एक प्रिजर्वेशन ऑफ टिशू के लिए जो है

तो ये फ़िक्स ये टिश्यूज जो है ऑब्वियसली जब प्रिजर्व हो गए तो ये फ़िक्स टिश्यूज़ हो गए इनको हमने क्या किया अप्रोप्रिएट मटीरियल के अंदर हमने इसको हम बैट कर दिया और फिर हमने इसको कंपोनेंट्स में कट कर लिया उसको पार्ट्स में कट कर लिया अब हमने उसको जब पार्ट्स में कट कर लिया तो हर स्लाइस हम जिस तरह हम जो है स्लाइसेस जिस तरह फॉर एग्जांपल हम एक माल्टा लें उसके हम छोटे छोटे पार्ट्स करें तो दिस हर पार्ट को हम क्या कहते हैं स्लाइस इस तरह हमने एक ऑर्गन लिया फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ऑर्गन की बात कर सक कर रही हूँ कोई पार्ट भी हो सकता है हमने कोई पार्ट या ऑर्गन लिया उसके हमने सेक्शन बना लिए उस हमने स्लाइस उसको हमने कट करके उसके स्लाइसिस काटे और हर स्लाइस को हम एक सेक्शन कहेंगे अब टीशो सेक्शन जो है उसको हम एक्सपोज एक्सपोज कराएंगे स्पेसिफिक केमिकल के साथ और हम उसको स्पेसिफिक केमिकल हर कंपार्टमेंट को स्पेसिफिक केमिकल के साथ जो है हम उस स्टेन कराएंगे अब स्टेनिंग क्यों कराई है हमने स्टेनिंग इसलिए कराई है क्योंकि नैटमी जो है उसके अंदर जब हम बहुत सारे पार्ट्स को कट करेंगे तो हमें डिफ्रेंशिएट करना मुश्किल हो जाएगा लेकिन जब हम स्टेनिंग कर देंगे उसको डिफरेंट कलर से स्टेन कर देंगे तो इससे हम क्या करेंगे हमें ईजिली हम डिफरेंशियट कर पाएंगे स्लाइसिस को ये जो हमने नाम दिया है स्लाइसिस को सेगमेंट्स वगैरह जो है उनको हम जो है डिफरेंशिएट कर पाएंगे पर्पज ऑफ स्टेनिंग इज टू इन्हांस द कंट्रास्ट बिटवीन डिफरेंट टिश्यू कंपोनेंट्स फाइनली द स्टेंट सेक्शन आर स्टडीड अंडर द माइक्रोस्कोप फिर जो स्टेंट सेक्शंस हैं उनको हम अलग अलग स्टडी करेंगे इस तरह हमें अलग अलग सेक्शन का पार्ट जो है, का नेटमी जो है वो समझ आ जाएगा नेक्स्ट हमारी जो थर्ड ब्रांच मेन जो ब्रांच है वो है एम्ब्रियोलॉजी ह्यूमन एम्ब्रियोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ एनेटमी विच डील विद स्टडी ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट आफ्टर बर्थ आफ्टर बर्थ जो ह्यूमन की डेवलपमेंट है उसको हम कहाँ कौन सी एनेटमी में स्टडी करते हैं एम्ब्रियोलॉजी में स्टडी करते हैं तो चूंकि ये फुल डेवलपमेंट हमें जैसे ही जो है बर्थ हुई तो हमने बेबी को जो है उसके उसको, उसको देखना शुरू कर दिया उसकी अनेटमी स्टडी करना शुरू कर दी इसलिए तो हम इसको कहेंगे डिवेलपमेंटल अनैटमी की हम फुल डिवेलपमेंट देखेंगे डिवेलपमेंट कैसे होती है जाइगोड से लेके जो है फुल ज, ज, जब तक बर्थ नहीं होगी बेबी बोर्न नहीं होगा तब तक जो है डिवेलपमेंटल स्टेज होती है तो ये फुल हम एम्ब्रियोलॉजी में स्टडी करेंगे ह्यूमन डिवेलपमेंट तब स्टार्ट होती है जब फॉर्म फॉर्म मेल आता है और वो जो है फीमेल के अवम के साथ जो है आके फ्यूज़ करके एक यू जो है जाइगोड बना देता है और ये जयगोड जो है तमाम लाइफ प्रोसेस फिर हम एम्ब्रियोलॉजी के अंदर क्या स्टडी करेंगे तमाम लाइफ प्रोसेस जो कि जयगोड से लेकर बेबी बर्थ तक जितने भी प्रोसेस होंगे वो सब एम्ब्रियोलॉजी के अंडर ही आएंगे फोर्थ एंड द लास्ट वन ऑफ मेन ब्रांच न्यूरोटमी न्यूरोटमी ऐसी ब्रांच है जिसके अंदर हम नर्वस सिस्टम की स्ट्रक्चर और ऑर्गेनाइजेशन को स्टडी करेंगे अब नर्वस सिस्टम के अंदर हमारे पास दो तरीके के नर्वस सिस्टम है एक हमारे पास है सेंट्रल नर्वस सिस्टम और दूसरा हमारे पास है पैरिफुल नर्वस सिस्टम सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हमारे पास आ जाएगा ब्रेन एंड स्पाइनल कोड उसके बाद हम पेरिफुल नर्वस सिस्टम देखें तो इसके अंदर हमारे पास आ जाएंगे नर्व एंड गेंगलिया सो नर्व गेंगलिया स्पाइनल कोड ब्रेन इन सबके स्ट्रक्चर्स ऑफ इम्पोनेंट्स एंड ऑल्सो द ऑर्गेनाइजेशन बिटवीन दीज कम्पोनेंट्स जो है इस ऑफ ब्रेन स्पाइनल कोड नर्व्ज एंड गेंगलिया इसको हम जो है स्टडी करेंगे अंडर वन कॉमन ब्रांच ऑफ एनेटमी विच वी कॉल्ड एज न्यूरोटमी गॉट इट तो नेक्स्ट फर्दर जो है इसकी मजद ब्रांचेज हैं जो माइनर ब्रांचिज हैं ये सब भी मैंने पढ़ानी थी बट स्टिल लेक्चर काफ़ी लेंथी हो गया तो हम इसको नेक्स्ट नेक्स्ट इन शाह देख लेंगे सो so, वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिएगा शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ ताकि उनका भी फ़ायदा हो और इसके साथ साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और साथ बने रहें ताकि आप लोग जो हैं मजीद जो है इल्म हासिल कर सकें बिकॉज इल्म हासिल करना जो है वो मोमिन की मराज है और नेक्स्ट लेक्चर कोवर करने से पहले जो है एक कोट शेयर करूँगी are and एंड what you यू फील बिकॉज who matter डोंट माइंड एंड those who माइंड don't मैटर आपने जस्ट अपनी इंटरनल सेटिस्फ़ेक्शन देखनी है कि आप हैं व्हाट यू आर डूइंग तो एवरी थिंग इज गुड आप अपने दिल से पूछें कि आप जो कर रहे हैं वो सही है कि नहीं है अगर आपको लग रहा है कि सही है तो इसका मतलब सही है दिल कभी गलत नहीं कहता तो आपने जो है आपने देखना है कि आप जो कर रहे हैं वो आपका नफ्स आपको वो आपको आपका दिल इजाजत दे रहा है तो आप सब ठीक है दूसरे लोगों का काम है बात करना तो माशरे की कभी भी एक इसका मतलब ये नहीं कि आप नेगेटिव सेंस में लें आपने जस्ट अच्छे तरीके से जो है देखना है आप क्या कर रहे हैं और अपना बेस्ट करने की कोशिश करनी है इंशाल्लाह जब आप मेहनत करेंगे तो अल्लाह ताला कभी भी आपको जो है मायूस नहीं करेंगे तो अल्लाह हाफिज़